नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी आजकल ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन ट्रैवल के बीच में समय निकाल के मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आजकल थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक वायरस आया है उसका नाम है सोवा। और ये वायरस जो है मैंने पता किया है, मेरे भी अमेरिका में और स्पेन में काफ़ी दोस्त हैं जो जुड़े हुए हैं काफ़ी जगहों से, और उन्होंने बताया, मैंने इसके बारे में पहले हकीकत पता की, भाई तहकीकात की कि भाई व्हाट इज़ दिस, इसका इम्फेक्ट क्या इफेक्ट है। तो उन्होंने बोला भाई वायरस बिल्कुल सही है, मतलब ये मालवे जो ये मालवे जो ये एक इसको के इनको क्या जो ये वायरस होता है ना, ये वायरस कंप्यूटराइज किया डिजिटल उसके वर्ड के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि आया है, और ये जो है हमारे फ़ोन में कंप्यूटर में रह करके बहुत सी हमारे डाटा को चोरी कर लेता है। तो मैं ऐसा पहले ये तो बिल्कुल सही है कि ऐसी चीज़ चल रही है। अब चूंकि बहुत से देश के दुश्मन हैं, हमारे देश के बहुत से दुश्मन हैं, और उनको अब जो है नहीं बस चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने बड़ी सख्ती कर रखी बहुत जगहों पे, तो वो इन ऐसे ऐसे तरहों से काम चला रहे हैं अपना, यानी इस तरह से हमको लूटने की या बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें जो करना है अब, ये वो मेन बात है, करना ये है, इसे बचने का पूरा प्रयास करना है। बचने का प्रयास करने के दौरान हमें ये करना है कि बहुत से लोग जो व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज में अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग कहना है तो गुड मॉर्निंग लिख कर भेज दीजिए उसको। कोई ऐसा कोई गुड मॉर्निंग का कुछ ऐसा एक आता है गुड मॉर्निंग फूल खिला हुआ है, यहाँ क्लिक करिए उसमें आया गुड मॉर्निंग फिर फूल आ गया, ऐसा कुछ मत भेजिए अभी, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि वो वायरस किस रूप में आ रहा है। दूसरा, अभी धनतेरस, क्योंकि हिंदुओं के बहुत से त्यौहार आएंगे, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ़ भी कुछ साजिश है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो हिंदुओं के फेस्टिवल हैं, ईसाई समाज का फेस्टिवल तो लगभग उसमें आएगा दिसंबर लास्ट में। तो अभी मुझे जहाँ तक उम्मीद है, बाकी मैं और तहकीकात करूँगा, और आप लोग भी कमेंट में बताइए क्या सही है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के फेस्टिवल आ रहे हैं, धनतेरस आएगा, दशहरा आएगा, और नवरात्रि चल रही है हमारी माता के, और इसके बाद दिवाली आएगी। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो कि मैसेज भेजते ही हैं, और इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया हो देश के दुश्मनों ने। तो अभी तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यह करिए कि कोई भी ऐसा लिंक क्लिक मत करिए। आपके फ़ोन में अगर कोई लिंक भेजता है तो कुछ दिन के लिए उसको आप बड़े प्यार से लिख दीजिए कि भैया, भाई साहब, बड़े भाई साहब, या जो भी चाचा जी, ताऊ जी, दादा जी, अभी अगर आप कोई भी गुड मुझे मैसेज भेजना है, कोई भी चीज़ भेजनी है, तो कृपया करके उसको केवल लिख के भेज दीजिए। जैसे लिखे शुभ दीपावली, शुभ धनतेरस, धनतेरस की शुभकामनाएं लिख के भेज दीजिए, टाइप करके भेज दीजिए, लेकिन क्लिक मत भेजिए। ऐसा नहीं कि कोई आप भेज रहे हैं शुभ धनतेरस का, उसमें लोटा निकल के आया और पता लगे कि वायरस साथ में अंदर आ गया, क्यों क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने वाली कोई चीज़ मत करिए, क्लिक वही चीज़ करिए जिस जो आपको लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन है। प्ले स्टोर पे वही ऐप डाउनलोड करिए जो आपको लगता है वेरीफाइड है, ऊपर की जो, हालांकि उस पर तो ज़्यादातर ऐप अच्छी हैं, उन चेक करते रहते हैं टाइम टाइम। मैंने गूगल से मैंने मेल पर बात की तो उन्होंने बोला कि हम चेक करते रहते हैं, लेकिन कई बार आ जाती हैं चीज़ें पकड़ने से पहले, हो सकता है आपके पास आए तो दिक्कत, ये दिक्कत होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो फ्री कहते हैं कि फ्री का रिचार्ज कर लीजिए, फलाना ने फ्री का रिचार्ज भेजा है इस खुशी में, भाई अभी कोई चीज़, देर इज नो फ्री लंच, ये कहावत है इंग्लैंड में। तो इस कहावत को मानिए, इस कहावत को समझिए, और ये ध्यान रखिए कि कोई चीज़ ऐसे क्लिक मत करिए, क्योंकि अगर ये वायरस आपके फ़ोन में एक बार आ गया, ये आपके सारे डाटा को वहाँ पहुँचा देगा जो इसका बनाने वाला है। और बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन में हैं, जो चीज़ें आपके फ़ोन में हैं, वो सारी की सारी वहाँ पहुँच जाएगी जो इसका बनाने वाला है। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी मैसेज है इंडियन व्यू के सभी जो लोगों को, ये आप बता दीजिए। और वैसे तो मैं कहता नहीं कि मैं चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो,
कुछ मत करो, लेकिन इस मैसेज को, इस वीडियो को अगर आपको लगता है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ना अगर लगता कि नहीं ये शेयर करने लायक नहीं है तो फिर मत करिएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करिएगा कि कोई भी लिंक क्लिक मत करिए। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको लगती है कि सस्पिशियस है उसको रहने दीजिए। सभी को आप बोल दीजिए कि कोई मैसेज अगर लिखना है उसको लाइक लिख करके टाइप करके भेज दीजिए, लिंक आदि मत भेजिए, क्योंकि इस वायरस से बचाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यह वायरस एक बार आपके फ़ोन में आ गया तो आपके सारे डाटा को ये वहीं पहुंचा देगा जहां से जो इसका बनाने वाला है, और फिर उसका कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। तो इन दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप इन दो तीन चीज़ों को वे करते हैं तो फिर ये वायरस आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये यही मुझे कहना था। और बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और आपको और भी कोई चीज़ अगर जाननी हो, कुछ पूछनी हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।